आपके पास अगर एचपी का लैपटॉप है, अगर एचपी का कंप्यूटर है, तो ऐसे में आपको पता ही होगा कंप्यूटर लैपटॉप में ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं होने से स्क्रीन जो होते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी ख़राब लगता है दिखने में, उसका क्वालिटी बिल्कुल घट जाते हैं। ओके, और ऐसे में कुछ एचडी चीज़ें, मूवी वगैरह, वीडियो, सॉफ्टवेयर, गेम वगैरह भी सपोर्ट नहीं करते और ऊपर से हैंग भी करते हैं। ओके, तो ऐसे में आप गूगल से डाउनलोड करते हो, काफ़ी सारे ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते, इरर का प्रॉब्लम आता है, नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आता है, नॉट इंस्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। ओके, इस तरह से वगैरह वगैरह प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलते हैं और आप परेशान हो जाते हो ऐसे में। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल गाइड करने वाला हूँ, अगर आपका कंप्यूटर एचपी का है या फिर लैपटॉप एचपी का है, तो किस तरह से आप लोग काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो ग्राफिक्स ड्राइवर, आज की इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। और भी गाइस, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा, उधर ही जाके मैं आपको ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। ओके, और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। थोड़ा भी स्किप करेंगे बाद में समझ में नहीं आएंगे, आप बताएंगे भाई मेरा काम हुआ नहीं। तो फिर चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी चलते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग किस तरह से एचपी लैपटॉप का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपके पास अगर एचपी का लैपटॉप है, अगर आपके पास एचपी का कंप्यूटर है, तो ऐसे में आप एचपी का ग्राफिक्स ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, भी ऑल इन वन वाला ग्राफिक्स ड्राइवर, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, ग्राफिक्स ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना पड़ेगा। जैसे कि फ़िलहाल देख सकते हो, मैं अभी अपनी एक ब्राउज़र को ओपन करके रखा। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है sumantechnology.in। क्या टाइप करना है? sumantechnology.in। चलिए टाइप कर लेते हैं जल्दी से गूगल पे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, sumantechnology.in में टाइप कर लिया गूगल पे। उसके बाद सिंपली आपको चार्ज पे क्लिक करके चार्ज कर लेना है। ओके, तो फिर चलिए चार्ज करते हैं। जैसे आप चार्ज पे क्लिक करके चार्ज करेंगे, वैसे ही आपके सामने इस तरह का वेबसाइट आ जाएंगे। जैसे कि ऊपर देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको टेक्नोलॉजी नाम से एक वेबसाइट नज़र आ रही होंगे। ठीक है, तो आपको इसी साइड में क्लिक करके इस साइड को ओपन कर लेना है। चलिए क्लिक करते हैं इस साइड में। जैसे आप इस साइड में क्लिक करके इस साइड को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का लुक होंगे साइट का। और देख सकते हो साइट ओपन हो चुका है। साइट ओपन होने के बाद साइट का लुक कुछ इस तरह का होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो फिलहाल अभी आप। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है थोड़ा। ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफिक्स ड्राइवर देखने के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन आपको गाइस एचपी का ग्राफिक्स ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो ऐसे में आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा एक आर्टिकल, जैसे कि देख सकते हो एचपी लैपटॉप का ड्राइवर इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑल इन वन ग्राफिक्स ड्राइवर है। चलिए इस आर्टिकल पर क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेते। ओके, जैसे दोस्तों आप इस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, आर्टिकल ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद साइट का लुक कुछ इस तरह का होंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा आ जाना है। ठीक है, जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर हिंदी में काफ़ी सारे जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया, आपको रीड कर लेना है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ओके, तो आपको रीड करना है, इन सब जानकारी को लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ग्राफिक्स ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है इधर बताया गया हिंदी में, आपको रीड कर लेना है। ठीक है, इस आर्टिकल को। उसके बाद आपको नीचे एक लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक लिंक है। ओके, तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे गैस आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वेलकम टू सॉफ्टवेयर ड्राइवर। ओके, इस तरह से लिखा गया। आपके पास दोस्तों अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पर क्लिक करना है, आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, अगर आपके पास कुछ दूसरा पीसी वगैरह तो आधार पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए लैपटॉप पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जाएंगे। आपको यहाँ पर आपका जो भी सीरियल नंबर है, ओके, आपकी लैपटॉप के साथ जो भी सीरियल नंबर मिले थे वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, जैसे गैस आप अपने सीरियल नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट करेंगे, वैसे गैस सारे ड्राइवर आपके सामने नज़र आने लगेगा। उसके बाद आप काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो ग्राफिक्स ड्राइवर। ठीक है, मतलब आपका जो भी सीरियल नंबर है, आपके लैपटॉप के साथ जो भी प्रोडक्ट्स नंबर आपको मिले होंगे, वो नंबर यहाँ पर डाल के आप ग्राफिक्स ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे कोई भी ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप एचपी का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो? में उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो जानकारी प्रोवाइड की आपको पसंद आई होंगे। वीडियो अगर पसंद आई होंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। मैं इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट, जानकारी, वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लाते रहता हूँ। ऐसे में सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ जानकारी चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, अभी के लिए गुड बाय।